मेरे प्रियो, मेरे हाथों में क्या देख रहे हैं आप? पत्थर है ना। और ये वाला पत्थर है जब हम वहाँ इजिप्ट में गए थे, और वो जो होरेब पर्वत है वहाँ पर, वहाँ के जितने भी, वहाँ तो पहाड़ है, होरेब पर्वत है, और वहाँ पर जितने भी पत्थर पाए जाते हैं उसमें जलती झाड़ी का देखिए निशान है। जलती झाड़ी का एवरी स्टोन, एक उसको भी छोटे से छोटा स्टोन भी जलती झाड़ी का। क्यों? ये बात का सबूत है, कई साल बीत गए, मूसा को जो परमेश्वर ने जलती झाड़ी में दर्शन दिया था, उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि वहां की सारी चट्टानों में वो झाड़ी का, झाड़ी, जलती झाड़ी का निशान है, एविडेंस है। हालेलुया मेरे प्रियो, ये प्रूफ करता है बाइबल में जो लिखा हुआ है, इट्स ट्रू। झूठा या वो कोई काल्पनिक नहीं है, नॉट इमेजिनरी बट रियलिटी। बाइबल इज रियल, वी हैव ए हिस्टोरिकल प्रूफ कि यीशु का वचन जो है वो सच्चा है, सबूत के साथ, एविडेंस, प्रूफ है कि बाइबल जो है सत्य है। मेरे प्रियो, आइए हम देखेंगे, जैसा बाइबल में दिया हुआ, ये जलती झाड़ी का कहाँ पर पाया जाता है? निर्गमन की किताब 3 अध्याय और उसका 1 से 6 वचन लिखा हुआ है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर अब भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जलती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने की ओर को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। और उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। बाइबल सच्ची है मेरे प्रियो, बाइबल प्रमाणित है इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने, इट्स ट्रू, प्रूफ, एविडेंस है वहां पर, हर एक चट्टान पर। हालेलुया, वो निशानी है, सबूत है, चट्टान पर, हर एक पत्थर पर। आज भी जाएंगे, मैं 2018 में गया और वहां से ये पत्थर मैंने लाया मेरे प्रियो। निशानी, बाइबल सच्ची है, सबूत देती है। और बाइबल में और भी कई बातें जो लिखी हुई है वो सच्ची है, साइंटिफिक रूप से, हिस्टोरिकल रूप से भी, इतिहासकार, वैज्ञानिकों ने भी माना है ये सच्ची किताब है, कोई कल्पना या कोई झूठी किताब नहीं है। आइए एक और बात देखेंगे, हमारे भारत देश का भी नाम, हिंदुस्तान का नाम बाइबल में दिया हुआ है। कहां पर दिया हुआ? एस्तर की किताब, उसका 1 अध्याय 1 वचन। एस्तर 1 अध्याय 1 वचन में हिंदुस्तान का, देश का नाम दिया हुआ है। और एस्तर 8 अध्याय और उसके 9वें वचन में भी हिंदुस्तान का, इंडिया का, भारत देश का नाम दिया गया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आप बाइबल पढ़ें, क्योंकि बाइबल जो है सच्ची है मेरे प्रियो, सच्ची है, सच्ची है। उसे रोज पढ़ें आप, यू विल बी ब्लेस्ड, यू विल बी हील, यू विल बी प्रमोटेड, यू विल प्रॉस्पर, यू विल बी प्रिजर्व, यू विल बी प्यूरिफाइड, यू विल बी डिलीवर्ड, यू विल बी फेवर्ड। आप बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे, चंगाई प्राप्त करेंगे,
आशीषित होंगे, ओ आप पर कृपा भरपूरी से लोग करेंगे, परमेश्वर करेगा, आप शुद्ध हो जाएंगे, हालेलुया, हर एक पाप से आपको परमेश्वर बचा के सुरक्षित रखेगा। इसलिए सुबह से उठते हुए रोज बाइबल पढ़ें, जैसे हम रोज खाना खाते हैं कि नहीं, है ना, सुबह नाश्ता, दोपहर को लंच और शाम को फिर से नाश्ता, या रात को सीधा डिनर लेते हैं, वैसे ही बाइबल पढ़िए, आप बल प्राप्त करेंगे, शांति प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये सच्ची किताब है, सच्ची किताब है, इसमें कोई भी बात ऐसी कोई गलत नहीं लिखी हुई है मेरे प्रियो, बाइबल ऐतिहासिक सच्ची किताब है, हालेलुया, आप आशीषित होंगे, आपकी संतानें आशीषित होंगी, हालेलुया, और परमेश्वर आप देखेंगे कि वो कैसे आप पर आशीषों की वर्षा उंडेलता है। साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से अय्यूब में, बाइबल में दिया हुआ, अय्यूब की किताब 26वां अध्याय 7वां वचन, वह उत्तर दिशा को निराधर फैलाए रखता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। आपने ग्लोब को देखा होगा, है ना, तो कैसा है जो ग्लोब रहता है, पृथ्वी वो किसी बिना किसी आधार के लटकी हुई है, साइंटिफिक बाइबल, ये पत्थरों से बाइबल सच्ची है, सच्ची है, सच्ची है, उसे पढ़ें रोज, आप आशीषित हो जाएंगे, हालेलुया, ईश्वर आप सबको आशीष दे, आमेन।